नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नजर। झांसी के गुरसराय में जनसभा को संबोधित करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा की राष्ट्रीय सदस्य वंदना पाठक समाजवादी पार्टी के मंच पर नजर आईं। जिले की चारों विधानसभा सीटों पर चुनाव के दौरान गुरसराय में जनसभा को संबोधित करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, झूठ की सरकार भाजपा सरकार। गुरसराय में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की जनसभा में ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली, जहां भीड़ ने बबीना विधानसभा के प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव जिंदाबाद और गरौठा विधानसभा सीट के प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। तो वहीं मंच पर मऊरानीपुर विधानसभा के प्रत्याशी तिलक चंद्र अहरवार और झांसी विधानसभा के प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा भी नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि झांसी जनपद की चारों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होने पर भाजपा को भारी झटका लगेगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसानों ने की है। अखिलेश ने कहा कि योगी बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता और वह लैपटॉप की बात करते हैं। जनसभा में अपार संख्या में जुटे मतदाताओं से अपील करते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील करते हुए कहा कि झांसी जनपद की चारों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए गुरसराय से शैलेंद्र धमेनिया की रिपोर्ट। जो सुबह सुबह देखते हैं उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। न केवल भविष्य का चुनाव है, उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए ये खुशहाली का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बचाने का चुनाव है। बताओ बुंदेलखंड के लोगों, लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और उत्तर प्रदेश की जनता इन झूठों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अगर इनके भाषण सुनो तो इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।